अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज जो है वो हफ्ते का दिन है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ बाग में। तो जिम्बाब्वे में ये बाग बहुत मशहूर है और यहाँ पे जो है वो आप खूबसूरती देख सकते हैं बाग की। माशाल्लाह कितना प्यारा बाग है। यहाँ पे अनार के दरख्त भी हैं और अमरूद के भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इस वक्त जो है ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त शाम हो रही है तो लोग जो हैं वो अपने घरों में चले गए। पहले इधर लोग बैठे हुए थे, अभी इस वक्त तो मैं अकेला ही नज़र आ रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो कैक्टस के पौधे लगे हुए हैं और नीम के पौधे आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो है वो कैक्टस है, कैक्टस का पौधा लगा हुआ है और भी पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। सब किस्म के जो हैं यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो लगे हैं। कोयल की भी आवाज़ आ रही है। तो बहुत खूबसूरत ये बाग बनाया हुआ है। ये जो है वो सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत प्यारा खूबसूरत। और ये यहाँ पे जो है वो साथ में छोटा सा तालाब भी बनाया हुआ है, यहाँ पे भी लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जो है वो सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत प्यारा खूबसूरत। और ये यहाँ पे जो है वो साथ में छोटा सा तालाब भी बनाया हुआ है, यहाँ पे भी लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने फ्रॉग का बनाया हुआ है। असली लाल चंदन के लिए घने जंगलों में जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं असली अनार को ढूंढने के लिए जो है वो घने जंगलों की तरफ जा रहा हूँ। तो देखते हैं मुझे अनार मिलता है कि नहीं मिलता। ये मेरे पीछे ये तो ऐसे लगता है जैसे हैरी पॉटर में नहीं होता वो दरख्त जो गाड़ियों पर हमला करता है, ये वैसा लग रहा है मुझे। तो अनार तो नहीं मिला अभी तक मुझे, कोशिशें जा रही हैं। सो फाइनली हमें जो है वो अनार का दरख्त मिल चुका है। ये आप देख सकते हैं ये अनार जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, मिल चुके हैं। तो ये अनार तकरीबन पक चुके हैं, तो हम इसको जो है वो ट्राई करेंगे तोड़ के। मैं देखता हूँ कि कौन सा जो है यहाँ पे ज़्यादा पका हुआ। अनार तो काफ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कच्चे हैं थोड़ा सा। इनमें ना सब्ज़ सब्ज़ रंग है इनका, अभी थोड़े से पक जाएं तो फिर इनको जो है वो तोड़ेंगे, तो फिर तोड़ के खाएंगे, मज़ा लूटेंगे। कितना ये तो फूलों की तुम्हें कितना शौक है, कितना कितना फूल लेना है बिस्किट मैं नहीं तो आ गया ना। तो टाइम चंगी रोटी खवाई।